common sense. In this world, there are billions of people and only a few are having common sense. Rest think that they have common sense, but they don't. I repeat, they don't. Now, what actually is common sense? So it means that अपने काम से काम रखना और दूसरों का काम नहीं बिगाड़ना. लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही चलता है. ओके, सो सॉरी आई गॉट अ बिट इमोशनल, बट दैट्स वॉट इट मीन्स. नाउ टू मेक इट मोर क्लियर, आई विल एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल. सो फर्स्ट आई विल टॉक फ्रॉम द साइड विथ नो कॉमन सेंस एट ऑल. लेट्स से यू वर्क फॉर अ कंपनी, यू आर एन एवरेज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. On the other end, there is an employee who has a good reputation in front of others in the whole office, and also he got awarded. Now, one day a senior gave him some extra work and he got very tired, stressed because of that work. Now, you who thinks that he is having common sense and you went to that employee, you asked to him what happened, despite knowing that he is tired because of his work. He started getting irritated, you noticed that too, but since you were having common sense, you thought that you should talk a little more. You went on talking, you went on irritating him continuously. और फिर उसने गुस्से में आके तुमको रैपटे जड़ दिए. तो इस घटनाक्रम से हमें यह सीखने मिला, कॉमन सेंस का मतलब होता है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, कब क्या बोलना है ये पता होना. जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी चीज को लेके परेशान है तो उसे और परेशान ना करें. जब आपको पता है कि वो व्यक्ति किसी चीज को लेके परेशान है तो उससे वही चीज को लेके बात ना करें. और चौथा और सबसे जरूरी, अगर ऐसे समय पे अगर आपको वो व्यक्ति से कोई भी काम पड़ता है तो उसके हाथों के दायरे से दूर रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो कहाँ से कौन सा हाथ छोड़ देगा. और मज़े वाली बात तो ये है कि ये उसको भी नहीं पता. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें.